लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज से 2.5 साल पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ था, जिस दंगे के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं गृह मंत्रालय पर, सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की जांच पर, सवाल खड़े हो रहे हैं मीडिया पर, और ये सवाल खड़े किए हैं एक समिति की रिपोर्ट ने। जी हाँ, दिल्ली की में जो हिंसा हुई उस पर एक समिति बनाई गई, उस समिति के जरिए जांच की गई कि आखिरकार किन किन पहलुओं को लेकर दिल्ली में दंगा भड़की थी और इस तरह की चीजें हुई। तो उसमें जब उसकी रिपोर्ट आई है तो उसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ कि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं, ये गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ये रिपोर्ट जो सामने, इसके बाद से खुलासा हुआ है कि दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए कुछ नेता भी जिम्मेदार थे, इसके मीडिया भी जिम्मेदार थे। मीडिया में जिस तरीके खबरें चलाई गई, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सही तरीके से जांच नहीं की, इस तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं। तो आप ये समझिए, दिल्ली में दंगा भड़काने वाले कौन कौन लोग थे, और यूएपीए का भी गलत इस्तेमाल किया गया, यानी जिस तरीके से लोगों को जेल भी, कुछ लोगों को भेजा गया, जेल के अंदर ठूसा गया, उसमें भी पार्शियलिटी दिखाई गई है। तो ये दिल्ली की रिपोर्ट, दिल्ली दंगों की रिपोर्ट आने के बाद अब सवाल गंभीर खड़े होने लगे और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि दिल्ली दंगों पर आई सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट, मीडिया और बीजेपी नेताओं ने लगाई आग। ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो कपिल मिश्रा ने किया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अनुराग ठाकुर ने गोली मारो ये करके फलाना ढिमकाना जो बोला था, वो बयान भी आपने सुना होगा, और उसी के बाद दिल्ली में दंगा भड़का था जब कपिल मिश्रा ने इस तरीके की भाषा बोली थी कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उनको पूरी तरीके से बाहर है। सवाल ये है, इन लोगों पर कार्यवाही होगी या नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी है। सत्य हिंदी ने भी बकायदे लिखा है कि दिल्ली दंगा से पहले नफरत फैलाई गई थी, मीडिया भी जिम्मेदार, यह रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा हुआ है। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, सरकार, नफरत फैलाने वाला मीडिया, एकाएक धड़ा, इन सभी पर गंभीर सवाल उठे हैं। सृजन कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े हर तथ्यों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। समिति ने कहा कि कैसे दंगे भड़काने से पहले नफरती माहौल तैयार किया गया था, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ, और कैसे दंगे के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई। वैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का भी इस्तेमाल किया गया, जो कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया उन पे भी गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। जिस समिति ने रिपोर्ट दी है उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर है। इस समिति में मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर एस सोढ़ी, पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जी के पिल्ले शामिल हैं। ये लोग इस रिपोर्ट जो बनाने वाली समिति थी उसमें लोग शामिल थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, और ये रिपोर्ट ने बहुत बड़ी पोल खोल दी है कि दिल्ली दंगों के पहले एक साजिश रची गई थी, जिस साजिश का नतीजा है दिल्ली का दंगा। अगर याद करते हैं उस लम्हे को, 2.5 साल पहले के लम्हे को, कि किस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी जल रही थी, लेकिन कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप हो रहा था उधर, और इधर दिल्ली जल रही थी। आप अंदाजा लगाइए उस वक्त किस तरीके का माहौल दिल्ली में उत्पन्न हो गया था। जो दिल्ली सबसे सुरक्षित कही जाती है, जिसे देश की धड़कन कहा जाता है, जिसे देश का दिल कहा जाता है, कि भारत देश का दिल दिल्ली है, उस दिल्ली में इस तरीके की हिंसा फैली थी, और जो रिपोर्ट आई है वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि विवाद पैदा करने के लिए नफरत फैलाई गई, विवाद पैदा करने के लिए, दिल्ली दंगा फैलाने के लिए पहले नफरत फैलाई गई थी। 2020 में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गई थी। गाड़ियां जलाई जा रही थी, लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इस तरीके का दंगा आपने दिल्ली में इससे पहले तो नहीं देखा होगा, जिस तरीके की तस्वीर आज से 2.5 साल पहले बनी थी। और किस वजह से? कि गोली मारो इनको, फलाने ढिमकाने को, अनुराग ठाकुर ने बोला था, जो मंत्री हैं अभी। और क्या क्या बोला था आपने देखा था, कपिल मिश्रा ने क्या कुछ बोला था, इस तरीके के बयान वहां आए थे। दरअसल इससे पहले नफरत का एक माहौल क्रिएट किया गया था। नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का 2019 में इसका विरोध किया गया था। इसके खिलाफ मुस्लिम अपनी नागरिकता छिन जाने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जामिया के बाहर भी आपने देखा था, वो रोड भी ब्लॉक थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव ने जोर पकड़ा था दिल्ली में, उसमें विधानसभा चुनाव भी होने थे, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी होना था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान नफरती बयान दिए गए, नफरती भाषा बोली गई, और नफरती बयान किसने दिया यह आप सबको भलीभांति पता है। समिति ने कहा कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे, सीधे समिति ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू कर दिया, गोली मारो वाला नारा तभी लगाया गया था, और बकायदे उस नारे को कोट किया गया। तो क्या इन लोगों पर कार्यवाही होगी,
यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन समित की रिपोर्ट में यह भी जिम्मेदार है जिन्होंने गोली मारो, अब वो ऐसा शब्द है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूं, जो मन से उस वक्त केंद्रीय मंत्री ने बोला था, अनुराग ठाकुर जी ने बोला था, और कपिल मिश्रा ने क्या कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसी के अगले दिन दिल्ली में हिंसा हो जाती है, दिल्ली में विध्वंस हो जाता है। तो ये नफरत की आग फैलाई गई थी दिल्ली में, जो कि चुनाव नज़दीक था, उस चुनाव को भुनाने के लिए शायद सब किया जा रहा होगा। समित ने आगे कहा कि इस नफरत फैलाने को बढ़ाने के लिए कई टीवी चैनल्स भी जिम्मेदार हैं, कई ऐसे मीडिया चैनल्स जिन्होंने नफरत फैलाई और उसके बाद ये हिंसा हुई। समित ने 22 और 23 फरवरी के घटनाक्रमों का खास तौर पर जिक्र किया है। उसने कहा है कि जैसे ही कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जाफराबाद और चादबांग की सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, उसी के बाद ये सब कुछ होना शुरू हो गया। समित ने कहा कि जानबूझकर मुस्लिम विरोधी विमर्श खड़ा करने से हुई हिंसा इस बात का संकेत देती है कि किस तरह सार्वजनिक विमर्श में नफरती बयानबाजी के साथ साथ वास्तविक हिंसा भी पनप रही है। ऐसा लगता है कि नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्थागत इच्छा शक्ति पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, यह समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। और जो समिति ने रिपोर्ट दी है उससे सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं, और यह भी खड़ा हो रहा है कि यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया है, यानी देश विरोधी गतिविधियों को जब मुकदमा दर्ज किया जाता है वो उस मुकदमे का भी गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत यूज किया गया है। उससे पहले भी कुछ हुआ है, मीडिया का एक हिस्सा नफरती बयानों का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाता है। समित ने कहा कि साफ है कि ब्रॉडकास्टिंग मानकों की निगरानी करने वाली मौजूद संस्थाओं की चूक से बनिस्बत इन चैनलों की पहुंच और उन्हें मिली छूट कहीं ज्यादा है। बोलने और अभिव्यक्ति के लिए एक बिना निगरानी वाला मंच होने के नाते सोशल मीडिया के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसके यही गुण उन्मादी नफरती बयानों और हिंसक सामग्री के वाहक के तौर पर गंभीर खतरे पैदा करते हैं। ये बात सीधे तौर पर खड़ी की है, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर सवाल खड़ा किया गया इस रिपोर्ट में, कि कुछ ऐसे चैनल्स थे, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया थे जिन्होंने इस नफरत को आगे बढ़ाया, और कुछ सोशल मीडिया चैनल्स भी थे जिन्होंने इस नफरत को आगे फैलाया। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो ये नफरत फैलाई जा रही है देश में, इससे किसका नुकसान होना है, देश का नुकसान होना है। और उस वक्त भी इस बात की चर्चा हो रही थी कपिल मिश्रा दिल्ली हिंसा के जिम्मेदार है, लेकिन कपिल मिश्रा पर कार्रवाई कहाँ हुई, क्या हुई? और इसीलिए दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए उन मीडिया चैनल्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिन्होंने महिमा मंडन किया उस पूरे मसले का, उस पूरे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि पहले बिल था, पहले कैब कहा गया कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, फिर उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उसे कहा गया, यानी कि CAA, उसका जो विरोध पूरी दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली नहीं बल्कि हर जगह उसका असर दिखाई दे रहा था, उसके बाद से हिंसात्मक चीजें शुरू करने की कोशिश की गई। अब आप समझिए कि इसने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में CAA विरोधी धरनों को निशाना बनाकर उन्हें वहां से हटाना एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। UAPA का जो गलत इस्तेमाल हुआ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज UAPA की चर्चा बहुत होती है जिसमें देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। समित ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि इस मामले में UAPA का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। UAPA का इस्तेमाल को भी गैर नुकसानदायक समझकर अनदेखा नहीं किया सकता है। यह ना सिर्फ कानून का बेहद गलत इस्तेमाल है बल्कि कानून की आड़ लेकर असहमति और विरोध को कुचलने की लगातार दिखाई दे रही प्रवृत्ति का घोतक है। प्रदर्शनकारियों को चुप करने के लिए हिंसा के इस्तेमाल और जांच में UAPA के इस्तेमाल में विरोध प्रदर्शन खतरे की गतिविधि को एक डर के साए में ला दिया था। इस तरह की हरकतें हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। वैसे मीडिया चैनल्स पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जो नफरती चीजें होती हैं इसके जिम्मेदार, जो नफरत फैलती है इसके जिम्मेदार एंकर्स भी हैं जो टीवी चैनल से बैठकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। कई बार इससे बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्या उन पर एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया, और शायद अगर नहीं लिया जाएगा तो आगे समझिए। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में कहा गया है कि समिति की राय है कि सांप्रदायिक घटना में उन अंदरूनी प्रक्रियाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है जिनके जरिए एक बहुसांस्कृतिक समाज अपनी बहुलता को मजबूत करते हुए शांति सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बजाय नफरत का माहौल भी मजबूत हुआ है और हिंसा के रास्ते खुले हैं। समुदायों की अपनी जख्मों को भरने और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत कम हो गई है, सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो जब रिपोर्ट आई है ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है और इसको लेकर अब चर्चा भी हो रही है। अभी तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन ये रिपोर्ट अभी आई है इसके बाद रिएक्शंस भी जिस तरीके से आने शुरू होंगे वो भी अपने आप में सवाल खड़े करेंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।